इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि सरसों फ्यूचर्स पर सेबी ने रोक लगा दी है। जी हां, सही सुना है आपने, सेबी ने सरसों वायदा पर NCDEX के सरसों वायदा कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी है। सेबी का ये आदेश अभी तुरंत लागू किया जा रहा है। सेबी के अगले आदेश तक नए कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी नहीं है। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में नई पोजीशन बनाने की मंजूरी बिल्कुल भी नहीं है और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ और सिर्फ निकलने की मंजूरी मिलेगी। यानी कि जैसा सेबी ने पहले चने के साथ किया था, वैसा ही अब इस बार कुछ सरसों के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। सेबी ने सरसों वायदा पर, NCDEX के सरसों वायदा पर, यानी कि सरसों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी है, बैन लगा दिया है कि सेबी के अगले आदेश तक इसमें कोई भी नए कॉन्ट्रैक्ट, सरसों के नए कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशनें नहीं बनाई जाएंगी। नई पोजीशन बनाने की मंजूरी नहीं दी है सेबी ने। सिर्फ और सिर्फ जो लोग मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां से एग्जिट लेने की सिर्फ एग्जिट लेने की मंजूरी दी गई है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सौदा काटने की यानी निकलने की मंजूरी दी है, नई पोजीशन बनाने की मंजूरी नहीं दी है सेबी ने। और ये मंजूरी कब तक नहीं दी है? जब तक सेबी का अगला आदेश नहीं आ जाता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरसों फ्यूचर्स पर सेबी ने रोक लगा दी है। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले सेबी ने चने के ऊपर रोक लगाई थी, उसमें भी सेबी ने कहा था कि जो ये जो फैसला है तत्काल रूप से प्रभावी है और नए कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी नहीं है, नए पोजीशन नहीं बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सौदे काट के एग्जिट ले सकते हैं। सरकार सेबी ने पहले चने के ऊपर बैन लगाया था और अब आज सरसों फ्यूचर यानी कि सरसों के वायदा के ऊपर बैन लगा दिया है NCDEX पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। आपको बता दें कि सेबी के आदेश के मुताबिक, सेबी ने जो NCDEX को अपना ये आदेश दिया है आज, उसके मुताबिक सेबी के अगले आदेश तक सरसों वायदा के नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं किए जाएंगे। दूसरा, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में नई पोजीशन नहीं बना सकते। जो अभी करंट वायदा में जो चल रही है पोजीशन, उसमें कोई भी व्यक्ति नई पोजीशन नहीं बना सकता है खरीदारी की। सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है उसका सौदा काट के, यानी उसका सौदा काट के निकलने की ही मंजूरी दी है सेबी ने। सिर्फ और सिर्फ इतना ही मंजूरी दी है सेबी ने। जानकारों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी हाल फिलहाल में उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया है जानकारों ने कि सेबी का ये फैसला शायद इसलिए लिया गया है जिससे कि उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी जा सके, क्योंकि सरसों की जो कीमतें हैं लगातार मार्केट में तेजी की ओर बढ़ती ही जा रही हैं, जिसकी वजह से सरसों से बने उत्पादों के, खास करके तेल की जो कीमतें हैं, उनकी जो कीमतें हैं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। तो जानकारों के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि सेबी ने ये रोक उपभोक्ताओं को त्योहारी सीजन में राहत दिलाने के उद्देश्य से दी हो, लगाई हो, जिसकी वजह से सरसों अभी हाल फिलहाल में सेबी द्वारा बैन कर दी गई है, हाल अगले सेबी के अगले आदेश तक।